जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ आदिशक्ति भवानी, दुर्गे महारानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देवी पूजन कैसे करना चाहिए? वैदिक धर्म में शक्ति उपासना का बहुत विशेष महत्व है। शक्ति उपासना यानी देवी जी की उपासना, स्त्री की उपासना, क्योंकि शक्ति स्त्री में ही समाहित हुई है। पौराणिक ग्रंथों ने भी मां जगत जननी के शक्ति स्वरूप की उपासना पर ही बल दिया है। किसी भी धर्म में नारी स्वरूप की उपासना का इतिहास नहीं मिलता है, किंतु सनातन धर्म में ही नारी को शक्ति का रूप मानकर हमेशा से उसकी पूजा पाठ करने पर महत्व देता रहा है, और वह है शक्ति उपासना, यानी देवी जी की उपासना। चाहे काली जी की करो, चाहे दुर्गा जी की करो, चाहे वो लक्ष्मी जी की करो, चाहे वो सरस्वती की करो। और हमारे शास्त्र में तो यहां तक लिखा गया है कि यत्र नारीयेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर ही देवता वास करते हैं। यानी जो मनुष्य अपनी स्त्री पर हाथ उठाता हो, जो मनुष्य मां पर हाथ उठाता हो, जो मनुष्य अपनी बहन बेटियों को गाली देता हो, उसके यहां देवी देवता का वास नहीं होता है। इसीलिए स्त्री को शक्ति मान करके उसकी पूजा करना चाहिए। इसलिए हमारे यहां पर कन्या पूजन करने का रिवाज है, और यहां तक भी है काली पुराण में तो स्त्री की योनि का पूजन करने का भी नियम बताया गया है, क्योंकि उसी से ही तो प्रकृति की उत्पत्ति होती है, उसी से तो वंश वृद्धि होती है। तो यहां तो नारी की पूजा की करने का विधान बहुत अच्छे से बताया गया है। तो मां शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत है, इसी में संपूर्ण सृष्टि समाहित है, इसलिए मां भगवती बोलते हैं। तो मां का उच्चारण करते ही हृदय में एक निश्चलता, पवित्रता का भाव जागृत हो जाता है, और जैसे ही हम मां शब्द बोलते हैं तो वासना भी नष्ट हो जाती है। और मां बोलते ही मन हमारा एक बच्चे के माफिक हो जाता है, और मां ही तो अपने गर्भ द्वारा इस जीव को इस पृथ्वी पर लेकर के आती है और उसे ज्ञान भी देती है। इसलिए मां ही सबसे पहला गुरु मानी गई है, उसका पालन पोषण भी मां ही करती है, उसकी सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए मां हमेशा तैयार रहती है। यदि बालक जरा सा भी रोना प्रारंभ कर दे तो मां सब कुछ भूल कर उसे आंचल में छिपा लेती है, चिपका लेती है, तथा खुद प्रचंड रूप धारण कर काली मां का रूप, जैसे महाकाली का रूप, रौद्र रूप धारण कर हर विपत्ति नाश करने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए वो तो मां है। जरा सोचिए कि एक बच्चे की मां जब अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो फिर संपूर्ण जगत की मां, जिसे हम जगत जननी कहते हैं, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, बशर्ते कि आपको उसको बुलाते आपको आना चाहिए।
वह इतनी करुणामय है कि अपने भक्तों की पुकार सुनकर कभी भी अनसुना नहीं करती है। बस जरूरत है तो उसे सिर्फ एक बार हृदय से लगाने की और एक बार हृदय से पुकारने की। बस उसे एक बार बालक स्वरूप सुलभ निश्चल था से, मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई काम नहीं होना चाहिए। मां को जब भी अनुष्ठान किया जाए तो निष्काम भाव से अनुष्ठान करने पर आपको कृपा अवश्य प्राप्त होगी, परंतु यदि सकाम भाव से आपने उसको याद करने की कोशिश की, सकाम, तो आपकी परीक्षा लेती है और अधिकांशतः मनुष्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से अनुष्ठान असफल हो जाता है। तो मां की आराधना और सेवा हमेशा निश्चलता से, निष्काम भाव से करना चाहिए। फिर चाहे जीवन में कितनी भी बाधा आ जाए, परेशानी आ जाए, समस्या आ जाए, पीड़ा हो, दुख हो, रोग हो, शोक हो, चाहे शत्रु, ये आपके बच ही नहीं सकते। इसीलिए निश्चलता से उसको याद करना चाहिए। ऐसे तो मां भगवती हमारे रोम रोम में विद्यमान है। वह कवच के रूप में हमारे शरीर के बाहरी शत्रुओं की भी रक्षा करती है। इसलिए कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, चाहे वो काली कवच का पाठ हो, चाहे वो दुर्गा कवच का पाठ हो। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंड घंटेति कुशामांडेति चतुर्थम पंचम स्कन्मातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धदात्रि च न दुर्गा प्रतिर्गिता उक्तान्य तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निना दहमामस्तु शत्रु मध्ये गतुरणे। तो इस प्रकार से ये दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए रोजाना, यदि मनुष्य को बाहर निकलना है और मां भगवती की कृपा साथ लेकर के चलना है तो रोजाना घी का दीपक लगा के दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, या फिर काली कवच का पाठ करें। राम रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पुणवक्तरे रुधिरावृति स्तनी मम सर्व शत्रुणम खादे खादे हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी झिंदी झिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शोचोचे स्वा। वह राक्षसों का नाश करने के लिए कभी चंडी रूप भी धारण कर लेती है तो कभी महाकाली का रूप धारण कर लेती है। हमारे शास्त्र इस बात के गवाह हैं कि जब भी इस पृथ्वी पर अत्याचार व अन्याय बढ़ा, माता जगत जननी दुर्गा जी ने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के उन असुरों के संहार का कारण बनी। तो मां भगवती की आराधना तो स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने भी की। सरस्वती स्वरूप में उन्होंने ऋषि मुनियों का उद्धार किया, समस्त पापों का विनाश करने वाली तथा रिद्धि सिद्धि धन धान्य पुत्र आदि प्रदान करने वाली, सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश करने वाली भगवती की भक्ति हमेशा श्रद्धापूर्वक पूर्ण आराधना से आप इस लोक में यानी कलयुग में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे तो सभी देवियों का पूजन करने का विधान एक ही है, सिर्फ ध्यान अलग अलग होता है, क्योंकि उन देवियों का जैसा रूप है उस रूप के अनुरूप ही हमारे बड़े ऋषि मुनि बड़े बुजुर्गों ने उनका ध्यान बनाया है। इसलिए पूजन का क्रम भी एक जैसा होता है, सामान भी वही लगता है, बस ध्यान आपको अलग अलग बोलना है और न्यास में जो उनके बीज मंत्र बोले जाते हैं वह अलग अलग होते हैं। पूजा पद्धति सब एक जैसी ही होती है जो सभी देवियों की पूजन के लिए लागू होती है।
दुर्वांकुर यह देवी मां को नहीं चढ़ाया जाता है। तो पूजा करने के लिए पूरा विधान, जैसा कि षोडश उपचार पूजा होती है, षोडश उपचार पूजा करने के लिए पहले तो सबसे आपको शुद्ध स्वच्छ जल से स्नान करना है, किसी पवित्र नदी में स्नान करना है, पवित्र नदी का जल डाल करके स्नान करना है, उसके बाद में शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनना है, अशुद्ध स्त्री से दूर रहना है, अशुद्ध स्त्री को पूजा स्थल पर नहीं आने देना है, घर के अंदर जब भी पूजा करते हैं तो वंदरवार अवश्य बनाना चाहिए आम के पत्तों से, नींबू की माला अवश्य घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना चाहिए, लौंग की माला अवश्य लगा देना चाहिए, हो सके तो रस्सी, काली रस्सी जो होती है जिसमें भूरा कद्दू लपेट करके लटकाया जाता है, उस रस्सी से भूरा कद्दू को भी बांध देना चाहिए, पूरे घर में नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, सुगंधित इत्र का छिड़काव करना चाहिए और सुगंधित धूप बत्ती अवश्य हर जगह लगा देना चाहिए। उसके बाद आचमन किया जाता है, शिखा बंधन किया जाता है, आसन की शुद्धि की जाती है, दिग्बंध किया जाता है। दिग्बंध करने के बाद में चंदन लगाया जाता है, रक्षा सूत्र पहनते हैं, गणपति जी का आह्वान होता है, गुरु पूजन होता है, उसके बाद पृथ्वी पूजन होता है, दीप पूजन होता है, कलश स्थापना होती है, संकल्प लिया जाता है, देवताओं का आह्वान होता है और आह्वाहित देवता होते उनका पूजन होता है, उनके सबका ध्यान आह्वान बोला जाता है, आसन प्रदान किया जाता है, पाद्य धुलाए जाते हैं, ऊर्ध्वतन किया जाता है, आचमन कराया जाता है, जल स्नान होता है, वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, मधुपर्क चढ़ाया जाता है, सिंदूरम रक्त चंदन कुमकुम ये अक्षत ये सब चढ़ाने के बाद में पुष्पमाला समर्पित की जाती, धूप दीप नैवेद्यम कपूर आरती की जाती है। ये षोडश उपचार पूजा का एक अंग है, नैवेद्य देते हैं, खीर देते हैं, मोदक ऋतु फल करो दुर्दर्तन जल पुनः आचमन करते हैं, तांबूलम पूंगी फलम अवश्य चढ़ाया जाता है, चामर झुलाया जाता है, घंटा बजाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, नमस्कार मंत्र करते हैं, पुष्पांजलि बोली जाती, निराजनम करते हैं और आरती की जाती है। ये इतने सब विधान देवी जी की पूजा में करना होते हैं। तो जिस किसी मनुष्य को मां भगवती, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो काली माँ हो, कंकाली माँ हो, भद्रकाली माँ हो, दक्षिण काली माँ हो, शमशान काली हो, मसान काली हो, इसकी पूजा पद्धति विधि विधान से षोडश उपचार पूजा यदि सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आकर काली माँ की पूजा कैसे करें विधि विधान से, ताकि आप किसी के यहाँ पूजा भी करा सकेंगे और स्वयं पूजा करके मां भगवती की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। यह प्रशिक्षण देवराधा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता रहा है। तो जिस किसी को भी काली माँ की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, महालक्ष्मी पूजन, शमशान काली पूजन, महाकाली पूजन, दक्षिण काली पूजन, भद्रकाली पूजन, तारा देवी का पूजन, दस महाविद्याओं का पूजन कैसे करें, मंत्रोच्चारण सहित पूरा विधान का प्रशिक्षण देवराधा ट्रस्ट में दिया जाता है। 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं और यह प्रशिक्षण आप लेकर के मां भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा विधान ऐसे आप चाहें तो किताब में भी दिया गया है। हमारी एक किताब है महामाया से मोक्ष काली रहस्य, इस किताब को आप मंगा करके इस किताब में यह संपूर्ण चीज कि मां काली की पूजा कैसे करें इसमें लिखा हुआ है। आप चाहें तो किताब खरीद सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ में। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम पता फोन नंबर पिन कोड नंबर बता दें ताकि आपको यह किताब भेजी जा सके। प्रशिक्षण लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें, कृपया फोन नहीं लगाएं 9893128047, क्योंकि यह फोन ऑफिशियल फोन है, ये उठाया नहीं जाता, केवल व्हाट्सएप पर्पज से ही इसका प्रयोग किया जाता है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली भद्रकाली, काली के पापनाशिनी, काली कराली निष्क्रांते भद्रकाली तवन नमस्तुते। ओम उत्तिष्ठ देवी चामुंडे शुभ्राम पूजा प्रगतम में कुरुष्मम कल्याण मनास्ति शक्ति भी सह भूतपेत पिशाचेभ्यो रक्षेभ्यो स महेश्वरी देवेभ्यो मानुषेभ्यो भयेभ्यो रक्षिमा सदा। इस प्रकार से पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, नमस्कार किया जाता है। क्रीम क्रीम किम ह्रीम ह्रीम होम होम भय भद्रकाली भय, क्रीम क्रीम किम ह्रीम ह्रीम होम होम। जय माता दी, जय मां कामाख्या।